मेरे को भाई कुछ मटका करो, मेरे स्ट्रेस होता है। दिमाग की नस वो हो और मोटे जाएगी। तेरी एक्सपायर हो रखे टॉफी। तो फेंक ना, ठाक है, क्यों खा रहा है? ना मत का, मुझे पता है डायलॉग ना काट, तो मत खाओ मेरा रिश्ते में लगा, जी कर खाओ ना जी कर मत खाओ। मौसी ने कही थी छोरी तो काम नहीं करवाएगी। हाँ तेरी मौसी उस दिन पता की करी, मैंने कोमल धनिया छाटी, कह रही है छोरी पे काम करवा रही है। हाँ मेरे तभी तो मौसी को कह रही, मौसी काम करवा रही है। तो मौसी के रह ले जा 2 महीने जाके। पापा आई एम 18+, मैं खुद शादी कर सकता हूँ, भग सकता हूँ, तुम पे केस कर सकता हूँ दादा लाई जमीन के लिए। मैं सच्चाई रिकॉर्ड कर रही थी बिना कुछ बोले। मैं सच्चाई रिकॉर्ड कर रही थी, मम्मी से बात, चाय पकौड़े खाएंगी, खाना नहीं खाएंगी। खाने में हमारे पास कड़ी पकौड़ी, फिर आप खाना क्यों नहीं खाओगे? मम्मी हेल्दी चीज दिखाओ, लोग बात कह रहे हैं हेल्दी चीज दिखाओ। और आज पकौड़े किस खुशी में? ऐसे ही आपका मन कर रहा था, आपका मन कर रहा था कड़ी। चलो आप ब्रेकफास्ट में तो कर लिया, मेरे को लगता आपने सुबह से कुछ खाया है नहीं, चाय पी ली। चाय फिर से चाय पियोगे इनके साथ? हम किचन में निकलने चले दो मुझे। ओ चलो भैया, आज होती है हमारी पकौड़ा पार्टी। चाट करते हैं मसाला। अच्छा चाट मसाला, यस। और उसमें तो रायता मसाला लिख रहा है। मम्मा चीटिंग मत करो। ऐसी हूं मैं, ठीक है चाट मसाला वो रायता मसाला कोई नहीं, वो तो मैंने पढ़ा। हां नहीं, रायता मसाला चाट मसाला टेस्ट करोगे तो सेम है। पर ये मत बोलो चाट मसाला, मेरे सामने झूठ बोल रहे हो। चलो भाई हम खाते चाट मसाला ही, पागल। नहीं नहीं यार, टेस्ट करते हैं, सेम है वो। मैं ना करा रहा था मसाला का खाने। अरे मैं तो खा लूंगी, मैं सब खा लूंगी। आगे तो सुन ले। हाँ मत का, मुझे पता है डायलॉग ना काट, तो मत खाओ। मेरा रिश्ते में लगा, जी कर खाओ ना जी कर मत खाओ। नहीं हम तो खाएं, केचप का रखी है। चाय में तो नून आ रहा है, केकड़ा देख रहा है। तो लॉन्ग इलायची तो नॉर्मल है, लॉन्ग और ये क्या है? इलायची मत डालेंगे चाय में, मुझे अच्छी लग रही है। कितनी लॉन्ग? 2 लॉन्ग, अदरक, अदरक 2-3 काली मिर्च, बस एक लॉन्ग डाल ले अभी तो। एक डालता और काली मिर्च भी 2 ही डाल रही हूं मैं। मम्मी की स्पेशल चाय बिना इलायची की, पर लॉन्ग और काली मिर्च किसने बताई? फिर मैं तो नहीं दी ऐसी ना, मैं सिंपल चाय भी ऐसी पीऊं सुबह शाम की। टेस्टी चाय बनाते हैं, नूने गुड़ बना के धर दे मेरे लिए, और सोनी भी जरा सी चाय बना रहे मेरे लिए। ये वाला बना ना, इतनी ना गिलास तो एक थोड़ा सा कम होना चाहिए। इतनी? हाँ ओके। अच्छा अच्छी नहीं बनी तो देख लेंगे, पैसा कट। मम्मी गई नहाने, तो मैंने मम्मी के बिना ही शुरू कर दिया पकोड़े खाने, क्योंकि मेरी ड्यूटी है मम्मी की चाय बना। यहाँ बन रही है मम्मी की चाय, और मेरे को ऐसा लग रहा है फिर भी ये बोलेंगी इसमें चाय पत्ती कम है, इसका कलर वो नहीं आया जैसा होना चाहिए, क्योंकि प्रशांत तो बहुत कम चाय पत्ती लेता है, उसके अकॉर्डिंग डाली मैंने। देखो बाकी क्या कहेंगी, तब तक मैं अपनी पेट पूजा करती हूँ पकौड़ों के साथ। चाय बन के रेडी, और मेरे को लग रहा है कलर तो अच्छा ही आया है चाय का मम्मी के अकॉर्डिंग। और कॉफ देख रहे हो तुम लोग मम्मी का, मम्मी को अपनी चाय बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होती है, बट मैं अभी टेस्ट नहीं कर सकती। मम्मी आप क्या कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, कि तेरे आने के बाद मेरा घर बिखरा पड़ा है। हाँ। और कह रही कि जो ये सारा सामान फिर तू मेरी अलमारी में क्यों नहीं रख देती है सामान। मैंने अलमारी खोली, वो भी बिखरी पड़ी थी, वो मेरे आने से पहले ही बिखरी पड़ी थी। कहीं ना तेरे आने के बाद ही बिखरी है वो। ऐसा कुछ नहीं है, अब उसको ठीक करने का जिम्मा किसका है? तेरा है, वो किसका है? और अभी क्या कह रहे थे आप, ये हिचकी क्यों लग रही है? कौन याद कर रहा है? कुसुम मौसी सुबह सुबह मेरा बेटा कर रहा होगा, वो सो के भी नहीं उठा होगा। और पता क्या कह रही, मैंने ये कहा कि मैं ठीक कर देती हूँ अलमारी, कह रही झट ये ना ऐसे पेटी कोट इधर रखी हो, ये वाले उधर रखी हो, खुद के ऐसे पड़े थे सारे के सारे।
ऐसे पेटी को ऐसे जो मैं पहनती हूँ उनको एक साइड में, जो नहीं पहनती हूँ उनको एक साइड में, जो बिल्कुल नहीं हूँ उन्हें पीछे ना। ओके मैम, वो तो आपको बताना पड़ेगा उनमें से कि कौन। जो नया सूट है उसने एक तरफ ना, जो डेली यूज किया उन्हें एक तरफ में। अच्छा सा दी थोड़ी देर में। बट वो हमारी मम्मा मेरी थी जो आपने हड़प ली। जो यहाँ के बंदे चले गए वो गया फिर कुछ नहीं। नहीं मेरा सामान तो था, आपने सारा दान कर दिया है। इतना सारा सामान था, मेरे इतने सारे कपड़े थे। मुने एक दिन चढ़े अलमारी खोली सर्दियों के कपड़ों की, मैं भगवान को सुन 1/3 तेरे, 1/4 और सब में आ गया सारे तेरे कपड़े। हाँ तो अब है ही नहीं सारे, आप दे दिए है ना। मैं कोमल गई कपड़े भी जाओ ऐसे ऐसे पराया करा जाता है एक लड़की को कि उसकी सारी अलमारी छीन ली जाती है। अब मम्मी ने चारों अलमारियों पर हक जमा रखा अपना, चारों पे। ना एक तेरे भाई ले ली, तेरे भाई। अच्छा वो हेलो उसने ले ली, उसकी भी दो तीन है। तेरा कमरा भी उसने ले लिया, तेरा मेरा कमरा भी उसने ले लिया। अब तो वो नाम भी नहीं लेता, ये तेरा कमरा था कभी। अब उसका भाई। चलो भाई अब हम इनकी, अब तू ना मिल गया तेरे सारे कमरे। ये बात भी है, हमारा तो एक भी ना मिलेगा। मैं कह रही हूँ अब इनकी सारी अरेंजमेंट करते हैं इनकी अलमारी की हम, जिस पे इल्जाम हम पे लगा है कि तेरे आने के बाद फैला, जबकि पहले से फैला पड़ा था। सब निकाल दिया मैंने, मेरा बस की नहीं है कि वो मेरे को ना चिड़ सी मचती है जब अलमारी फैली रहती है ना। आपने मेरी देखी है ना वहाँ। मेरे ना दिमाग घूम जाते, मैं खोलती हूँ ना कि फैला कैसे पड़ गई ये चीज। अच्छी बात है, घूमे मेरा सारा काम हो जाएगा इस बहाने। चलो मैं करती हूँ, आप खा लो। मैं तो खा लिए पकौड़े, मैं तो चाय बनाते बनाते खा ली बहुत सारे। हाँ खड़ी खड़ी नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत है, इसलिए तो छोटे ना बोल दिया। चाय ठीक है, टेस्ट चलो शुक्र है। मैं तो चीनी और डाल दिया। हाँ तो मम्मी आपको पता है मैं मेरी चाय बंद है, मैं तो टेस्ट भी नहीं कर सकती, मिले तो जहर है। मैं तो चाय टेस्ट भी नहीं कर, प्रशांत के लिए भी मैं बनाती, मैं कभी टेस्ट नहीं करती चाय। तुम ना ही पीस को तो बढ़िया ही की जरूरी चाय पीने। चाय कॉफी तो मेरी बिल्कुल बंद है, डॉक्टर बोला बिल्कुल बिल्कुल नहीं पीनी। ठीक चलो आप करो इंजॉय, इतने में अलमारी जाती है। अच्छा ये बताओ आपने हमें बचपन से चाय क्यों नहीं पीने दी, कभी भी नहीं दी कभी भी। अरे बनानी पड़े बेकार में, पर आप तो कुछ और कहते थे। वो तो कहने की बात रही थी, अब सिद्ध है। हाँ। बनाने की बारी नदी होती तुम्हारे। और अब हमारे अब हमसे पी भी नहीं जाती। क्या जरूरी है चाय पीनी, तो क्या आपके लिए जरूरी है मैम चाय पीनी। मेरी मम्मी ने मेरी ताद डाल दी, मेरी मम्मी मेहनती थी चाय बनाती थी मेरे लिए। साफ पता चल रहा है इसका मतलब है उसकी बात सही है, हमारी मम्मी मेहनती नहीं है। मैं आप सो रहे हो मेरे से काम करवा के, आपकी सारी अलमारी ठीक हो गई हो, मैं अब रोटी खा रही हूँ और मम्मी घोड़े बेच के सो रही है। थैंक यू। और मम्मी प्लानिंग कर रही है मामा के जाने की। कितने बज रहे हैं, 2 बज गए हैं। 3 दिन में बनते थे, एक काम करो बस अलमारी का, वो मुने ने खुद करा। हाय मैं आप, मैं अलमारी खोल ली, अलमारी खाली पड़ी है ठीक है, ऊपर से ये कह रहे हो कि मेरे ना अलमारी कम पड़ रही है, अलमारी कम पड़ रही है, वो सारी खाली। अब दोनों देख लो ऐसे होता है अरेंजमेंट। सॉरी ठीक है, ऐसी हूँ मैं तो, काम करवा लूँगी फिर सॉरी बोल दूँगी, थैंक यू बोल दूँगी, काम तो होगा ना। हाँ तो इसी खुशी में हम थोड़ी देर में 4 बजे ना मैं बर्गर खाएंगी। रोटी तो खा ली, अभी तो रोटी की भूख लग रही बहुत तेज, खा भी क्यों ना कड़ी पकौड़ी चक्का पता कैसी है। और याद दिलाना मोटर चला रखी है 5 मिनट में बंद करनी है, आप तो कहते मोटर चलाया। अच्छा अच्छा, फिर मम्मी कहती है ना काम ना करे, मैं काम करती हूँ मम्मा, खाना पानी चंगवाना कोई काम है कि। मौसी सुन रहे हो आप, मौसी ने कही थी छोरी से काम नहीं करवाएगी। हाँ तेरी मौसी उस दिन पता की कह रही, मैंने कोमल धनिया छाटी कह रही है छोरी पे काम करवा रही है। हाँ मेरे तभी तो मौसी को कह रही, मैंने मौसी काम करवा रही है। तो मौसी के रह ले जा 2 महीने जाके। 2 महीने मैं तो 20 दिन के लिए आई हूँ, पर शांत ने सुन ली तो 10 दिन जाके तो देख मौसी के, मौसी ने करवा काम, मौसी कुछ नहीं करवाएंगी, मौसी अच्छी तेरी सारी। चलो आप प्लान करो नानी का। मम्मी बुरी है बस ना, हमारी मम्मी बहुत अच्छी है, कल फिर आगे अलमारी भी वो तो ठीक है, मैं देख के आई ना सारा संगवा दिया। आगा तुम्हें काम करना शादी के बाद। हाँ पहले तो मेरी अलमारी खुद गंदी बड़ी थी, ढूंढो तो जाने क्या नाम था मेरी अलमारी का, ढूंढो तो जाने, और फूल भरी बड़ी थी, फूल है ना। अरे कोमल याद, और कैसे मैं कॉलेज सुबह सुबह कैसे जाती थी। जी जी मोटी सी बात यह है कि सासरे जाए पीछे
सबने सब कुछ आ जाए, सब सुधर जाते हैं। एक माँ के आगे ना कुछ ना बेन छोरियों ने, सच्चाई तो है यू। नहीं ये बताओ ना कैसे ढूंढती थी सुबह सुबह कपड़े, बेरा जैसे उसमें हाथ पाँव मारे करे थी और पता कहाँ मिले करा था बेचारा कपड़ा, और फिर उसको प्रेस करने लग जाती, एक घंटे का प्रेस हुए करे थी तेरी। मैं प्रेस परफेक्ट करती मम्मी, काम तो सारी परफेक्ट करे तू, पढ़ाई करी तो परफेक्ट करी। मेरे को अलमारी जब भी तो मेरा दिमाग घूम गया, अब शादी के बाद इंसान बदल जाता है। ये बात भी ठीक है, पर माँ के आगे कोई ना करे। प्रशांत मेरे से दुखी है आपको पता है इस मामले में, उसकी वो एक चीज ऐसे नहीं ला सकता। बेचारा कैसे सनक सवार है तेरे ऊपर। सन की हूँ मैं, चलो मैं रोटी खा लो ना। क्यों खावे? और भाई कांग्रेस तेरी गाड़ी आ रही है, पक्का आ रही है ना? हाँ गाड़ी आ रही है, भाई कन्फर्मेशन आ रही है अपनी। आर्या कहते हैं था, तारीख नहीं बताऊंगा नहीं तो कुछ सिस्टम गलत हो जाएगा, पता नजर लग जाएगा, नजर ना कुछ और लग जाएगा, उसका जंग लग जाएगा। टॉफी खान दो आती टॉफी, और फिर दह दह कर वो अलग खांसी हो रही है जरूर, किसने गिनते टॉफी खाने के लिए, दवाई भी ना लाए। यू गाइस आर नो वन टू जज मी, ठीक है? मेरे को भाई कुछ भटका करो, मेरे स्ट्रेस होता है दिमाग की नस वो मोटे तेरी एक्सपायर हो रखे टॉफी, तो फेंक ना था करे, क्यों खा रहा है? दांत भटक रही है, हां तो फेंक दे ना, थूक दे ऊपर, साला की लड़की ने बुड़का भर लिया, अच्छा नहीं है। तू ना मान ले तो शर्म ना आवे, तेरी जीजी है बड़ी और मैं भी यही हूं। पापा आई एम 18 प्लस, मैं खुद शादी कर सकता हूँ, भग सकता हूँ, तुम पे केस कर सकता हूँ दादा लाई जमीन के लिए। एक काम कर तू, कर ही ले मारे ऊपर जो कुछ करना तो। डैडी ने बुला के केस करना तूने। कौन डैडी? पापा, एक डैडी और एक पापा, एक डैडी एक पापा, आई डोंट केयर भाई। एक कमेंट पढ़ा, मैं डर था किसी, एक कमेंट पढ़ा, देसी लड़की, देसी लड़की ओके, देसी लड़की ओके डैडी बोलती है तो क्या हुआ? हम बोला पापा, हम बोले डैडी, पापा बोला हम तो पापा, फिर तो पहले तो कहेगा डैड, डैड स्कूल मेरे वाला कहेंगे मेरे तो डैड, और उनका मारूंगा सारा पापा कहे पिताजी, पिताजी का भाई पिताजी, फादर साहब, फादर साहब। मैं तुम्हें फोन, अरे पापा ने पता की कहे, पापा छोड़ रखा है शेठ जी लाला जी, तो हम ना जा रहे नानी से। भाई प्लान था अपना नानी को लेकर जाने का, इनका मतलब कैंसिल हो गया ना, क्योंकि तू लेट आया है। कितने बजे? 6 बज रहे हैं। कोई बात नहीं, ओके। लेट तो कहीं ना आया कोमल, आप लगे निकल लेगा 5 मिनट में, आधे घंटे में निकलेगा, चलना है तो बता, आराम से चलेंगे सुबह। अरे सुबह सुबह कह लेगा चलो स्क्रिप्ट लिख के चलो चलो, फिर अरे अगली बार लेके चलो 2 दिन के लिए।